नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष देसवाल और आप देख रहे हैं किसान फार्मिंग। किसान भाइयों, अगर कोई किसान पिग फार्म शुरू करना चाहता है तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखे, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कितने पिग से आप फार्म शुरू कर सकते हैं और कितना आपका खर्चा आएगा। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सर, सबसे पहले तो एक बार अपना किसानों को परिचय करा दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन कुमार और मैं और मेरे अंकल हैं जो मेरे पार्टनर हैं, वो बेसिकली इस फार्म की मैनेजमेंट देखते हैं और मैं पार्ट टाइम इस फार्म को मैनेज करता हूं और एज वेल एज मैं जॉब करता हूं गुड़गांव में। बेसिकली मेरा उद्देश्य ये फार्म ओपन करने का ये था कि मेरा खुद का कोई सेटअप हो और मैं खुद अपने नाम से मार्केट में जाना जाऊं और मेरे फ्यूचर में जो है और अच्छा ग्रोथ हो इन वे ऑफ लाइक सैलरी को लेके, पैसे को लेके। बिकॉज जो प्राइवेट जॉब में जो सैलरी होती है वो एक दायरे में होती है, उसको आप इतनी जल्दी से एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं और आप भले ही कितनी भी मेहनत कर लें, बट आपका जो बिज़नेस होता है वो ऐसा होता है जितनी आप मेहनत करेंगे उतनी अच्छी आप ग्रोथ लेंगे और उतना अच्छा आपको जो है आपका नाम होगा। जो प्राइवेट हो या सरकारी, दोनों में लिमिट है, चाहे जॉब प्राइवेट हो चाहे सरकारी, दोनों में ही लिमिट है। दोनों में ही लिमिट है, बिजनेस में अपनी कोई लिमिट नहीं, कोई लिमिट नहीं होती। यानी एक यह है कि अपने आत्मनिर्भर होना है, आत्मनिर्भर होना है, बिल्कुल। तो सर, सबसे पहले आपसे सवाल ये किए है कि बहुत से किसान इस बिजनेस में आना चाहते हैं, अगर कोई शुरू करना चाहे तो कितने से शुरू करे और उसका कितना खर्चा आ जाएगा? देखिए, पहले तो ये होता है कि आपको ये अपना माइंड में सेटअप करना होगा कि अगर आपको ये काम करना है तो लेबर के भरोसे नहीं करना है, आपको खुद ही उस चीज़ को ये लगा चलना है कि मैं खुद अगर इसके अंदर घुस सकता हूँ तो मैं काम ये कर सकता हूँ। और लोग कहते हैं जो ये पार्ट टाइम जॉब होती है या पार्ट टाइम काम होता है, तो ये पार्ट टाइम काम नहीं है, ये फुल टाइम काम होता है, क्योंकि इसमें आपको फीड मैनेजमेंट से लेके, ब्रीडिंग से लेके, डिलीवरी से लेके, वैक्सीनेशन से लेके, मतलब ऑल टोटल आपको मेडिकेशंस वगैरह सब कुछ देखनी होती है। तो अगर कोई इस फील्ड में अगर आना चाहता है तो उसका डिपेंड करता है कि उसका बजट कितना है। आप मान के चलिए अगर आप एक सूरी भी लेके आते हैं तो उस पर 80 से लेके 1,00,000 रुपए तक का इन्वेस्टमेंट होती है। वो ये इन्वेस्टमेंट ऐसी होती है कि आप जब लेके आते हैं तो मान लीजिए उसने 7 बच्चे दिए या 8 बच्चे दिए, आप उसकी डिलीवरी के टाइम पे उसको खिलाओगे भी, उसके बाद जो उसके बच्चे होंगे उसकी मादा को, उस मादा को आप फीड भी दोगे, उसके बाद जब बच्चे वो जब तक सेल आउट नहीं हो जाते हैं, उस चीज़ को मिला के जो है पूरा 1,00,000 रुपये एक मादा पे लग जाता है बच्चों के साथ। तो अगर आप 10 सूरी लेके आ रहे हैं तो आप लगा के चलिए कि 10,00,000 सेटअप से अलग, क्योंकि उसमें आपकी फीडिंग आ जाएगी, वैक्सीनेशंस आ जाएगी, आपकी लेबर आ जाएगी, आपकी इलेक्ट्रिसिटी, आपकी मैनेजमेंट पूरा आ जाएगा उसके अंदर। ठीक है, मतलब 10 पिग से अगर शुरू करा तो सेटअप वगैरह सब कुछ लगा के, फीड वगैरह सेटअप से अलग, क्योंकि उसमें ये होता है कि आपको 1 साल तक कुछ भी रिटर्न नहीं आता है। आप उस जानवर को बैठा के 1 साल तक खिलाओगे या फिर जब तक भी वो उस बच्चे की ग्रोथ होती है, मान लीजिए कि आप 1 महीने की मादा लेके आए हैं तो 2 महीने वो और खाएगी, उसके बाद जो उसके बच्चे होंगे वो खाएंगे, तो एक मादा पे 80,000 से लेके 1,00,000 तक की इन्वेस्टमेंट होती है। प्रॉफिट कितने दिन बाद देना शुरू करती है? देखिए, प्रॉफिट जो है आपका 6 महीने में शुरू हो जाएगा। मान लीजिए आज मादा आई और 15 दिन बाद जो है उसने डिलीवरी दे दी, तो बच्चों की जो ग्रोथ होगी वो 6 से लेके 7 महीने, 7.5 महीने तक ग्रोथ हो जाती है। 8 महीने भी लग जाते हैं, किसी बच्चे की ग्रोथ कम होती है तो 8 महीने के बाद जो आपको रिटर्न तो आना शुरू हो जाता है, लेकिन वो आप फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव से आप उसको स्टॉक करके रखेंगे और अपना फार्म और बढ़ाएंगे, जहाँ 10 थी वहाँ 15 करेंगे या 20 करेंगे मादा। और इसके अलावा कितने केजी का करके बेच देना सही रहना चाहिए और क्रॉस कितने समय पे कराना चाहिए? देखिए, जो इसकी एक एज होती है लाइक 7 महीने का हो जाए, 8 महीने का हो जाए, जब भी ये अपना 90 से 100 किलो के बीच में आ जाए और हीट पे आ जाए तो आपको करवा देना चाहिए। उससे क्या होता है, बच्चे अच्छे डेवलप होते हैं, अच्छे वेट के होते हैं और उनकी लाइफ भी अच्छी होती है और मॉर्टिलिटी नहीं होती है। अच्छा, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये हमारी मादा हैं, ये हमने 90 प्लस पे क्रॉस करवाई थी, कुछ 92 पे थी, कुछ 95 पे थी, तो हम अंदाजे से नहीं करते, हमारे पास वेट मशीन है, हम वेट करते हैं, उसके बाद जब ये हीट पे आती हैं तो हमारा, हम सेपरेट रूम रखते हैं। जैसे ये अगर रूम खाली रहेगा तो इस रूम में हम जो है मादा और नर को
लेके आएंगे और तब उन बिल्कुल सफाई करवाएंगे, सफाई करवाने के बाद तब क्रॉस करवाएंगे। क्या होता है, नीचे गंदगी होती है, प्रॉपर साफ़ नहीं होता है। जब जो नर होता है वो मादा को क्रॉस कर रहा होता है तो बैक्टीरियाज चले जाते हैं अंदर, जिसकी वजह से बच्चे अच्छे डेवलप नहीं होते हैं। तो रूम आपका साफ़ होना चाहिए, सांड को प्राइवेसी मिलनी चाहिए ताकि वो जो है प्रॉपर मादा को क्रॉस कर सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बाकी किसानों को भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके फार्म से वीडियो शूट करें तो भी आप नंबर और पते के साथ कमेंट करें या ईमेल करें।